नमस्कार श्रोताओं, स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदुस्तान न्यूज 24 में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ सुर्खियों। एलजी रोलिंग ट्रॉफी 2022 के लिए क्रिकेट खिलाड़ियों का ट्रायल और चयन करने के लिए आज युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा तंचाबाग पामपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐसे 3 कार्यक्रम पामपुर जोन में किए गए और आज पामपुर में तीसरा और आखिरी कार्यक्रम था। इस अवसर पर जोनल शिक्षा अधिकारी पानपुर अब्दुल रशीद तेली, जोनल फिजिकल एजुकेशन अधिकारी मसरत हुसैन अद्रावी, फिजिकल शिक्षा मास्टर फयाज अहमद राथर, बसीर अहमद राथर, सैफुद्दीन शाह, मुजमल फारूक, फयाज अहमद भट्ट और मोहम्मद अशरफ भट्ट भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर स्थानीय खिलाड़ियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे क्षेत्र में युवा क्रिकेट की ओर आकर्षित हो रहे हैं और आधिकारिक स्तर पर इस कार्यक्रम के आयोजित करने से स्थानीय खिलाड़ियों को एक मंच मिलेगा और उन्हें अपना प्रदर्शन करने का भी मौका मिलेगा। आज यहाँ पे जो पापड़ के टांचबाग स्टेडियम में एलजी ट्रॉफी के लिए सिलेक्शन हो रही है प्लेयर्स के, तो इस हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कि एलजी साहब का एक गुड एक अच्छा इनिशिएटिव है एलजी रोलिंग ट्रॉफी, इसके सिलेक्शन चल रहा है जून पामपुर की। अगर मैं बात करूंगा तो पहले हमने खरू में किया है, दूसरा हमने सोमबरा में किया है, तो आज यहाँ पे पामपुर टांचबाग में है। तो यह एक आगे बढ़ने का एक जरिया है, तो यही एक मौका, यह एक रास्ता है हमारे जो यूथ है, यंगस्टर्स है, उनको आगे बढ़ने का। तो यह 19 से 35 तक जो हमारी यूथ है तो वो इसमें आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो उनका टैलेंट है वो इससे बाहर आ सकता है। तो और आजकल जो हमारी ड्रग्स का सिस्टम चल रहा है, तो ये एक मीडियम है और जितना बच्चे गेम में आएंगे उतने हमारे बच्चे ड्रग से दूर रहेंगे। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये एलजी रोलिंग ट्रॉफी जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था हमारे यूटी में, और इंशाल्लाह ये भारत तकवील तक एक अच्छे से पहुंचेगा और हमारे बच्चों का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। इस ट्रॉफी के अलावा आपके क्या क्या प्रोग्राम है जो उसको इंडोर्स करने स्पोर्ट्स के लिए? बिल्कुल जी सर, अगर हम बात करेंगे यूथ की तो हमारे स्कूल लेवल पे प्रोग्राम्स होते हैं, स्कूल लेवल पे कंपटीशन होते हैं, फिर इंटर जोन में कंपटीशन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन होते हैं। इसमें हमारा खो खो आता है, कबड्डी आती है, वॉलीबॉल आती है, फुटबॉल आती है, पेंटिंग आती है, नॉर्थ कंपटीशन होते हैं, सिर्फ कंपटीशन आती है, और इसमें बहुत सारे हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं और इतने सारे प्रोग्राम्स, और इनका बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है आगे बढ़ने का। चलिए शुक्रिया, थैंक यू। मिस्टर साहब, खैर मकदम है आपका, क्योंकि आप जड़ पीईओ है पामपुर जोन के, तो क्या कहेंगे इस रोलिंग ट्रॉफी की जो आज यहाँ पे सिलेक्शन हो रही है इस हवाले से? मैं तो ये कहूँगा कि जो टांचबाग में हमारा ये खूबसूरत स्टेडियम है, आज रोलिंग एलजी रोलिंग ट्रॉफी जो है तो इसका हमारा थर्ड फेज यानी तीसरा दिन, पहला हमने किया है जो क्रियो में, इसके बाद सोमबोरा में, और आज इसका थर्ड फेज है टांचबाग पापोर में इस खूबसूरत से स्टेडियम में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जितने भी हमारे यूथ हैं पापोर इलाके के जोन के, तो वो आए यहाँ पर और उनका जो सुझाव है बहुत ही अच्छा है, क्रिकेट लवर है वो, तो आज उनकी सिलेक्शन ट्रायल्स है, तो हम देखना चाहते हैं कि उनमें कितना टैलेंट है, कितना यानी अच्छा सुझाव है क्रिकेट के लिए, तो आज हम उसको यानी सिलेक्शन करने जा रहे हैं, जो हमारी ऑफिशियल ड्यूटी है यहाँ पर। और पूरा जो बैकग्राउंड है इस ट्रैफिक के हवाले से, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, बहुत सारे यूथ जो पापड़ में हैं, तो इनका टैलेंट हमने देखा है बहुत सारे इवेंट्स में, तो आज इनका जो अपना इवेंट जो है खासकर क्रिकेट, तो क्रिकेट तो बच्चे खेल रहे हैं, गली गली में खेलते हैं, पर पापड़ में इसका बहुत ही अच्छा सुझाव है और बहुत ही अच्छा टैलेंट है पापड़ के हवाले से। थैंक यू।